अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो मैं बना रही हूँ वो चिली चिकन है। चिली चिकन बहुत मज़े की और हॉट एंड स्पाइसी डिश है। ये आसानी से बन जाने वाली और बहुत पसंद की जाने वाली डिश है। आइए मैं बताती हूँ कि इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने यहाँ बोनलेस चिकन लिया है, ये तकरीबन 2 से 2.5 पाउंड के लगभग है। इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। आइए मैं बताती हूँ कि किन चीज़ों के साथ किया है, क्योंकि मुझे 1 घंटा पहले इसको करके रखना था। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने वाइट पेपर डाला है, 1 टीस्पून मैंने विनेगर, 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस, 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है। इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर जो है कॉर्न का स्टार्च डाला है, तकरीबन 3 टीस्पून डाला है, और 3 टीस्पून मैंने इसके अंदर मैदा ऐड किया है। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर आप एक अंडा भी डाल सकते हैं, मैंने 1 अदद अंडा भी ऐड किया था। आइए मैं बताती हूँ कि इसको बनाने के लिए जिन अज़ा की ज़रूरत है ग्रेवी बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर और गार्लिक की पेस्ट ली है, वाइट पेपर मैंने 1 टीस्पून ली है, चिली पेस्ट मैंने 1 टीस्पून ली है, ये कुटी हुई ग्रीन चिली है, ये मैंने ये छोटी और ये तकरीबन 1 टीस्पून लिया, 3 से 4 अदद मैंने लिए हैं। चॉप किया हुआ ये मैंने ग्रीन ऑनियन लिया है, इसको तकरीबन 1/2 कप लिया है, बेल पेपर, शिमला, ये शिमला मिर्च, ये मैंने 1 अदद लेके इसको क्यूब की शक्ल में काट लिया है। इसी तरह एक मीडियम साइज का प्याज, ये भी मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है। आप किसी भी रेड चिली भी ले सकते हैं इसके अंदर, और साथ 1 अदद मीडियम साइज का मैंने प्याज ये छोटा छोटा चॉप किया हुआ है, इसको मैं ये ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। आइए मैं बताती हूं कि मैं किस तरह इन सारी चीज़ों को फ्राई करती हूं और किस तरह मैं ये ग्रेवी बनाती हूं, और साथ में चिकन को भी फ्राई करती हूँ। यहाँ मैंने चूल्हा ऑन कर लिया, अब मैं तकरीबन 3 टीस्पून ऑयल लिया है मैंने, इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। इसके अंदर मैं प्याज को डालूंगी, और इसको लाइट ब्राउन होने दूंगी। दूसरी तरफ कढ़ाही में ऑयल गर्म हो रहा है, जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर चिकन फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। अब मैं इस प्याज के अंदर जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाल दूंगी। आप अगर चाहें तो जिंजर गार्लिक को छोटा छोटा स्लाइस में काट के भी डाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पेस्ट डाल रही हूँ। दूसरी तरफ ऑयल गर्म हो चुके हैं, अब मैं उसके अंदर चिकन डाल दूंगी। एक साइड से ब्राउन होने के बाद मैं दूसरी तरफ इसको से भी ब्राउन कर लूंगी। सारे चिकन को मैं इसी तरह बना लूंगा, फ्राई कर लूंगा।
ऑयल अगर कम लगे तो थोड़ा सा और डालें। हाँ मुझे ज़रा कम लग रहा है, मैंने 2 टीस्पून मज़ीद ऐड कर दिए। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसके अंदर स्पाइस डाल दूंगी। चिकन ब्राउन हो चुका है ये, तकरीबन दोनों साइड से हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर वाइट पेपर, विनेगर 1 टीस्पून, सोया सॉस तकरीबन 2 टीस्पून, चिली सॉस और ग्रीन चिली। सॉल्ट आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, मैं यहाँ 1/2 टीस्पून डालूँगी। अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत हुआ तो मैं मुझे ऐड कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं प्याज, शिमला मिर्ची डाल दूंगी। मज़ीद फ्लेवर के लिए मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टीस्पून टमाटो केचप ऐड किया। तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हनी डाला।
देखो हनी डालने से इसका टेस्ट स्वीट का और चिली डालने से इसका टेस्ट स्पाइसी सा आएगा, ये बहुत अच्छा फील होता है। ये रेड चिली भी मैंने ये मिरर से काट के अंदर डाल दी है। चिकन फ्राई हो चुका है, फ्राई किया हुआ चिकन मैं इसके अंदर डालूंगी। और अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। इसके साथ साथ तकरीबन मैंने टू टी स्पून मैंने जो है कॉर्न स्टार्च लिया, उसको पानी के अंदर डाल के ये मैंने लिक्विड जो है ये कर डाल दी। ग्रीन ऑनियन भी डाल दूंगी। अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी मजीद ऐड कर लें। यहाँ लास्ट में मैं 1 टीस्पून में अजीनोमोटो ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर दूंगी। तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसको आप ढक के छोड़ दें, दम पे लगा दें तो फिर इसको सर्व कर दें। ये तकरीबन तैयार हो चुका है, 2-3 मिनट में इसको ढाँक देती हूँ। दो तीन मिनट के बाद हमारी डिश तैयार हो जाएगी, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। चिली चिकन तैयार है। चिली चिकन को आप नान और चपाती के साथ खा सकते हैं। चिली चिकन में क्योंकि स्पाइस ज़रा ज़्यादा होते हैं, खासकर चिली, तो इसको अगर आप कम पसंद करते हैं चिली को तो आप कम यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी डिश पसंद आएगी। अगर आपको मेरी डिश पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।